बिलासपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि बंबर ठाकुर को नीचे दिखाने वाले अपनी लाख कोशिशें कर ले, लेकिन वे पार्टी का नाम नीचे नहीं लगने देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विशाल दल में कुछ काली ऐसी भेड़े हैं कि अपने स्वार्थ के लिए पार्टी का निरंतर नुकसान कर रही है। ऐसे लोगों की शिकायत हाईकमान तक प्रेषित कर दी गई है। बंबर ने कहा कि ये गैंग केवल चुनावों के दौरान सक्रिय नहीं हुए हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं कि किस प्रकार पार्टी को नीचा दिखाया जाए ताकि बंबर ठाकुर की विश्वसनीयता जनता में कम हो। बंबर ठाकुर ने कहा कि वे पूर्व विधायक होने के नाते पार्टी के प्रति अपनी वफादारी और निष्ठा के साथ दिन रात पंचायती रण में उतरे प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने समांतर उम्मीदवार उतार कर पार्टी को भीतर से खोखला करने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने स्वार्थ तक सीमित ये गैंग यदि पार्टी के प्रति इतनी वफादार है तो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के हक में प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर नगर परिषद में सदैव कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन कुछ अपने लोग भाजपा को सत्तासीन करने में लगे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के प्रयास कवे सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कुछ लोगों द्वारा पत्रकार वार्ता में बाकी बुलाए गए लोगों को गुमराह किया गया है। विभिन्न स्थानों से आए लोगों को बरगलाकर इस वार्ता में केवल अपना उल्लू सीधा करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक प्रत्याशी के नामांकन को रद्द करने के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ठेकेदार उतारा हुआ है, 6 नंबर से व्यापारी उतारा हुआ है, 8 नंबर से जो है वो व्यापारी उतारा हुआ है। हमने जो है दबाव में, किसी बड़े नेता के दबाव में अपनी भाभी को बचाने के चक्कर में जो सीधी सीधी अलफोज जीत जाए, कोई ऐसा गलत काम ना करे और कानून के दायरे में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ जाऊंगा और सारे कांग्रेस पार्टी के लोग धरना देंगे। ऐसे हम ये धक्केशाही से काम नहीं चलने देंगे, तो धक्केशाही साजिश से ये चलने नहीं देंगे। ये चुनाव है, चुनाव जो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और जो नोटिफिकेशन हुई है कि 28 तारीख को 3 बजे तक नॉमिनेशन होंगे, अंतिम डेट 28 तारीख 3 बजे थी और 29 तारीख को इसका जो है स्क्रूटनी होगी वो हो गई। 30 तारीख को कुछ नहीं था, 31 तारीख को विड्रॉल है। तो जो समय दिया गया है, जो डेट दी गई है, उसके मुताबिक चुनाव आयोग को काम करना है। कोई यदि कोई महीना पहले दे गया एप्लीकेशन की जी मैं चुनाव लड़ूंगा, तो क्या वो एंटरटेन कर लेते उसको? क्या वो उसको एंटरटेन कर लेते चुनाव आयोग? ये मेरा क्या क्या आपके ऊपर कोई दबाव बनाया गया था कि आप चुनाव ना लड़े? नहीं जी, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। अच्छा, और ये भी दबाव नहीं कि आप चुनाव लड़े? नहीं जी, ये भी कोई दबाव नहीं। आप अपनी मर्जी से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी, अपनी मर्जी से चुनाव लड़ रहे हैं जी। थैंक यू। और 29 तारीख को 3 बजे तक जो हमारे कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन सब के नाम सही पाए गए, फॉर्म सही पाए गए। और आज 31 तारीख को चुनाव आयोग ने विड्रॉल की समय और डेट रखी है 31 तारीख को 3 बजे, 10 से 3। आज 3 बजे तक कोई यदि विड्रॉल करता है तो विड्रॉल होगा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि चुनाव आयोग ने 29 तारीख को स्क्रूटनी वाले दिन किसी से कोई एप्लीकेशन ले ली वार्ड नंबर 2 की कि भाई वो अपने फार्म को विड्रॉल करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 29 तारीख को स्क्रूटनी की डेट थी, 29 तारीख को स्क्रूटनी की डेट थी, तो 29 तारीख को चुनाव आयोग का कोई अधिकारी विड्रॉल फॉर्म किसी भी व्यक्ति से कैसे ले सकता? एक तो मेरा चुनाव आयोग से सीधा सीधा निवेदन ये है और प्रश्न भी ये है कि आप कैसे ले सकते हैं, और निवेदन ये है कि आप लॉ के मुताबिक काम करें। आज है डेट विड्रॉल के फॉर्म लेने की, लेकिन साजिश के तहत यदि आप हमारे किसी कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज हमने
वार्ड नंबर 2 के जो हमारी